हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। आपका फिर से स्वागत है। वायग्रा के बारे में आपको भी बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोग, करोड़ों लोग आज एक बीमारी से ग्रस्त है, और वो बीमारी है कि शिश्ना का कड़क नहीं होना, कठोर नहीं होना, या उसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, शिश्ना में टेंशन नहीं आना और उसे सेक्स नहीं कर पाना। लोग बाज़ार में जाते हैं, केमिस्ट के पास में जाके पर बारे वो दवाई खरीदते हैं, उससे फ़ायदा होता नहीं। वायग्रा क्या चीज़ है उसके बारे में आपको बताऊंगा, और बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि नपुंसकत्व जो आता है जिसमें कठोरता नहीं आती शिश्ने में, उसके लिए क्या इलाज है। 1998 में फाइजर कंपनी ने ये दवाई का खोज किया। एक्चुअली ये दवाई फाइजर कंपनी पल्मोनरी हाइपरटेंशन नाम के बीमारी के लिए एक दवाई का खोज कर रही थी, उसमें रिसर्च चालू था। और ये सिल्डानाफिल है, उसमें कंटेंट है, केमिकल कंटेंट सिल्डानाफिल, तो वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए दवाई का रिसर्च चालू था, जिसमें वो देख रहे थे कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन में जो खून की नाड़ियाँ हैं वो ये दवाई देने से फैल जाती है, या फैल गई तो फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन ठीक हो जाएगा, और उनको उसमें सफलता भी मिली। मगर उनको ये मालूम पड़ा उसके साथ साथ कि ये जब दवाई हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए दे रहे हैं तो उसके साथ साथ ही ये लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व हो रहा है, मतलब शिश्ने में कठोरता भी आ रही है। जैसे ही उनको ये मालूम हुआ कि भाई नहीं, ये इरेक्शन हो रहा है, और जिनको नपुंसकत्व का प्रॉब्लम था, जिसमें जो लोगों को शिश्ने में कठोरता नहीं आ रही थी, इरेक्शन नहीं हो रहा था, उनको इरेक्शन आना चालू हो गया दवाई से, तो उनको हाथ में तो एक बड़ा खजाना लग गया कंपनी को। उन्होंने अरबों रुपए कमाए, क्योंकि ये दवाई वायग्रा के नाम से फेमस हो गई दुनिया भर में, और कंपनी ने बहुत धूम कर दिया पूरी दुनिया में। फिर काफ़ी सारे कंपनियों बाद में दवाइयाँ बनाई, और अभी ये वायग्रा के नाम से, मतलब फाइजर ने बनाई, मगर अभी काफ़ी नाम से ये दवाई बाज़ार में उपलब्ध है। होता यह है कि जो सिल्डानाफिल दवाई है, वो सिल्डानाफिल जब हम लेते हैं तब शिश्न की जो नाड़ियाँ हैं, खून की नाड़ियाँ, वो फैल जाती है। और नाड़ियाँ फैलने से क्या होता है कि शिश्न में खून का बहना बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब जो नॉर्मली खून बहता है उससे 10 गुना ज़्यादा शिश्न में खून जाता है। करीब करीब 200 से 250 मिलीलीटर खून, मतलब आधा पाव से एक पाव तक खून अंदर शिश्न में जाता है, प्रवेश कर लेता है, और उससे शिश्न में कठोरता आती है और वो टाइट हो जाता है, उससे फिर सेक्स करना संभव होता है। तो लोग ये दवाई लेते हैं, और वो दवाई लेने के बाद में भी कभी कभी लोगों को कठोरता नहीं आती है, नपुंसकत्व वैसे ही रहता है। फिर लोग हमारे पास में आते कि भाई दवाई तो लिया, फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि ये दवाई लेने से सिर्फ होता नहीं है, फोर प्ले होना जरूरी है, मतलब दिमाग के ऊपर यदि टेंशन है, नंबर एक बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो दवाई आप कितने भी खाओ कुछ नहीं होगा। और दूसरा, टेंशन नहीं है मगर फोर प्ले नहीं किया, मतलब सेक्स करने के पहले खेल नहीं किया, 5-10 मिनट 15 मिनट यदि फोर प्ले जिसको बोलते काम क्रीड़ा, वो काम क्रीड़ा यदि नहीं किया, फोर प्ले नहीं किया, तो फिर दवाई लेने का फ़ायदा नहीं है, उससे भी फ़ायदा होगा नहीं, ये सिल्डानाफिल लेने से भी फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो काम क्रीड़ा करना जरूरी है, और ये गोली लेने के बाद में, इसमें 50 मिलीग्राम की गोली आती है, 100 मिलीग्राम की गोली आती है, और ये गोली खाने के बाद में शिश्न में कठोरता आती है और सेक्स कर सकता है व्यक्ति। ये दवाई स्त्री के काम के, मतलब महिलाओं के काम के लिए आती कि नहीं उसके बारे में मालूम नहीं है अभी आज, मगर पुरुष लोगों को तो डेफिनेटली काम में आती है। अब कुछ लोगों को इससे भी फ़ायदा होता नहीं, तो क्या करें। तो एक इंजेक्शन आता है जिसको बोलते हैं पेपेवरिन, वो शिश्न में मिडल में दिया जाता है, मतलब समझो घड़ी देखी तो घड़ी में 3 बजे का जो टाइम है और 9 बजे का टाइम है, मतलब 3 और 9, तो ऐसा अंदर वो इंजेक्शन शिश्न में दिया जाता है, जिसमें वो इंजेक्शन देने के बाद में लिंग में कठोरता आती है और वो व्यक्ति सेक्स कर सकता है, तो वो भी इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो है, और एक वो है पिनाइल इम्प्लांट, वो तो अभी मेरे इतने 35 साल के प्रैक्टिस में मुझे कभी पिनाइल इम्प्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ी और पिनाइल इम्प्लांट देने का काम नहीं पड़ा, मगर पिनाइल इम्प्लांट जो आते हैं वो पेनिस में, मतलब शिश्न में वो डाले जाते हैं, और जैसा जब सेक्स करना है तो वो उसका बटन जो है, बटन दबाने के बाद में उसमें कठोरता आती है,
सेक्स करने के बाद में फिर से वो उसको मोड़ मुड़ के मतलब उसको रख सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग उसमें उपाय हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो ऐसा बोला जाता है कि इंटरेस्टेड एंड इंटरेस्टिंग पार्टनर इज़ द बेस्ट सेक्स टॉनिक। मतलब जो पार्टनर जो है आपकी वो इंटरेस्टेड है और इंटरेस्टिंग है, सबसे बड़ा बेस्ट टॉनिक तो वही है। दवाई कितने भी खाओ, दिमाग शांत नहीं रहा, दिमाग के ऊपर बहुत लोड है, तो आपको कठोरता नहीं आएगी, सेक्स होगा नहीं। ये दवाइयाँ जो है सप्लीमेंट है। सिल्डेनाफिल खा के भी 100% ऐसी गारंटी नहीं है कि आपको सेक्स आएंगे। उसके लिए हस्बैंड वाइफ दोनों ने, पति पत्नी ने, दोनों ने आना, काउंसलिंग करना, अपने दोनों को समझ के लेना, दोनों ने अच्छे रिश्ते बनाना, जो भी प्रॉब्लम्स दोनों में है उसका हल निकालना, काउंसलिंग करना, वो सबसे बड़ी अच्छी दवाई है। मुझे विश्वास है कि लोग हमारे पास में आते नहीं, उनको यदि वीडियो मिल गया ना तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि लोग आते नहीं और ऐसा बोलते नहीं, उनको शर्म आती है कि डॉक्टर के पास में कैसे जाना, मुझे नपुंसकत्व है कैसे बोलना। तो ये वीडियो लोगों को ज़रूर शेयर करो। आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आएंगे ना उसको भी हिट करो, ताकि मेरे काफ़ी सारे वीडियो जो आते हैं वो आपको सबसे पहले मालूम होंगे। अब आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा। हमारा मिशन जो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, उसमें भी आपका हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।